सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने रैपिडो कैप्टन ऐप में बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, जिसे आज मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। बस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ देखिए रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन जो है हमारा ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, इसलिए इसे लॉगिन करने के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ओके दोस्तों, लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए बाएं तरफ में थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे क्लिक कीजिएगा। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद देखिएगा ऊपर से फर्स्ट ऑप्शन जो है अर्न एंड रिडीम में, अर्न रिडीम में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, जो कि आपका टुडे अर्निंग से सारा रिलेटेड ऑप्शंस आएंगे दिखेंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिएगा सेकेंड ऑप्शन है रिडीम्स का। ओके दोस्तों, रिडीम में जब जाइएगा तो आपने जितना भी अभी तक कमाया है रैपिडो कैप्टन में वो आपको यहाँ पर बैलेंस शो हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक येलो कलर का एक बटन बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रिडीम। तो रिडीम पे टैप करेंगे। सिंपली रिडीम पे टैप करने के बाद आपके पास एक नीचे से एक बॉक्स खुलकर सामने आएगा जिसमें कि लिखा हुआ रहेगा लुक्स लाइक यू हैव नॉट एडेड योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे ऐड करना है बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने अभी तक अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा होगा तो ये ऑप्शन आपको नहीं देगा दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि बैंक अकाउंट को कैसे आप ऐड कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल करेंगे। ओके दोस्तों, दोनों चीज़ें अगर एक साथ बताऊँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं पार्ट में करके आपको बताऊँगा दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों, रिडीम पे क्लिक कीजिएगा। रिडीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में। ऐड अकाउंट का ऑप्शन आने के बाद देखिएगा एक छोटा सा फॉर्म खुल करके सामने आएगा, इसमें कुछ आपके बैंक से रिलेटेड डिटेल्स मांगे जाएंगे दोस्तों। ओके, तो बैंक से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मांगे जाएंगे, तो उस डिटेल्स को यहाँ पर जस्ट सिंपली फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कि फुल नेम एज इन बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट में जो फुल नेम है उसको यहाँ पे डालना है दोस्तों। तो मेरा जो है मैं उसे डाल देता हूँ फ्रेंड्स। मैंने नाम डाल दिया है फ्रेंड्स। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर मैं अपना डाल देता हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे देखिएगा सेकंड जो बॉक्स बना हुआ है उसमें देखिए लिख रहा है री इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर। ओके, यहाँ पे फिर से वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो आपने ऊपर में डाला है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने जो ऊपर में बैंक अकाउंट नंबर डाला था वही नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है दोस्तों। अब नीचे एक और डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको जिसमें लिखा हुआ प्लीज़ एंटर योर IFSC कोड। तो IFSC कोड मैंने तो लिख रखा है, मैं उसे डाल देता हूँ। IFSC कोड क्या है मेरा यहाँ देखिए दोस्तों, IFSC कोड जैसे भी आप इंटर कीजिएगा तो वो जस्ट खुद ब खुद वो स्कैन करके आपका जो बैंक अकाउंट का जो नेम है वो यहाँ पे खुद ब खुद वो ले लेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए मैंने IFSC कोड डाला तो वो खुद ब खुद स्कैन करके यहाँ पे नेम ऑफ बैंक लिख दिया है दोस्तों, देखिए। ओके फ्रेंड्स, अब नीचे में देखिएगा एक ऑप्शन और दे रहा है, लास्ट ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है वो है पैन नंबर दोस्तों। पैन नंबर भी डालना ज़रूरी है दोस्तों।
पैन नंबर मैं अपना डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाल लिया है दोस्तों। अब देखिए, सारा फॉर्म को मैंने केयरफुली फिलअप कर दिया है। फिलअप कर देने के बाद अब इसे सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे टैप करना है। ओके फ्रेंड्स, फॉर्म को मैंने पूरा फिलअप कर दिया है दोस्तों। अब सिंपली यहाँ पर कंफर्म पे टैप करना है, तो कंफर्म पे टैप कर देते हैं। कंफर्म पर टैप करने के बाद आपने जो नंबर दिया है रजिस्ट्रेशन रेपिडो में, जो नंबर रजिस्टर्ड है आपका, उस नंबर पर ओटीपी आएगा। जैसे कि मेरा देखिए यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, और वो ओटीपी वो खुद ब खुद ले लेगा। ओके फ्रेंड्स, ओटीपी ले लेने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम के अंदर में आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, देखिए योर अकाउंट एडिट सक्सेसफुली। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अकाउंट जो है ऑलरेडी सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड्स। ओके, अब जब अकाउंट मेरा जब ऐड हो चुका है, तब यहाँ पे ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन आता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर जो भी मेरे पास बैलेंस है रैपिडो कैप्टन में, वो बैलेंस को ट्रांसफ़र करने का यहाँ पे तुरंत ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड्स। तो मैं ये अगले वीडियो में आपको बैलेंस ट्रांसफ़र लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए मैं बता रहा हूँ, और अगले वीडियो जो मैं बनाऊँगा, जो नेक्स्ट आएगा, उसमें मैं अपना बैलेंस को भी ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। वो भी बहुत ही सिंपल होगा दोस्तों, कोई लाग लपेट उसमें नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या क्वारीज होगी तो कमेंट में नीचे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल में जाकर के अपने प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें देखिए कौन सी वीडियो आपके काम के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।